अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, आप सब लोगों को मेरी तरफ़ से बहुत बहुत रमज़ान मुबारक हो। और ये जो मैं आपके लिए रेसिपी लेकर आई हूँ, ये एक चटनी की है जो कि बहुत फेमस चटनी है। लौंग चूड़ी की चटनी इसे कहते हैं, इसे लाल लहसुन वाली चटनी भी कहते हैं। तो इसकी वैसे सबके अपने अपने स्टाइल से बनाते हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा इस स्टाइल से बनाती हूँ तो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। इसके लिए मैंने 50 ग्राम साबुत लाल मिर्चें ली हैं, जिनको मैंने पहले से भिगो के रखा हुआ था। और उसके अलावा लहसुन की एक पोती ली है बड़ी वाली, और सॉल्ट अकॉर्डिंग टू टेस्ट है। इमली का मैंने पेस्ट लिया है, जितना आपको पीसने के लिए ज़रूरत है उतना लेने। और उसके अलावा साबुत ज़ीरा लिया है। अब मैं इसको इमली के ही पेस्ट में साबुत लाल मिर्च और ये सब मसाले डाल के अच्छी तरह ग्राइंड कर लूँगी, जिसके बाद इसका फेस कुछ इस तरह का आया है। और इसमें आप पानी बिल्कुल भी ऐड नहीं करेंगे, जितना भी कुछ ब्लेंड करेंगे वो इमली के पेस्ट में ही करेंगे, इमली के पेस्ट में ही इसको ब्लेंड करेंगे। और देखिए फ्रेंड, मेरी चटनी बनके तैयार है। उम्मीद करती हूँ आप सब लोगों को पसंद आएगी। अल्लाह हाफिज़।